तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर वन पीएलसी इंट्रोडक्शन जिसमें हमने रेफरेंस मिशू विषी की पीएलसी को लिया है मिशू की पीएलसी इसलिए रेफरेंस ली ताकि आप एंट्री लेवल में आपको इजी हो क्योंकि बहुत ही वाइडली यूज़ होती है पीएलसी सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि हमारी मिशू की पी कुछ इस तरीके की दिखती है जो एफ एक्स है जो बहुत पावरफुल पी मानी जाती है सो आप ये देख पा रहे हो गे ये कम्युनिकेशन पोर्ट है इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं पी को प्रोग्राम लिख के बताते हैं या ये भी हमारा कम्युनिकेशन पोर्ट है जब भी हमें लैपटॉप से या पीसी से जो भी प्रोग्राम डालना होता है पीएलसी तो इन्हीं पोर्ट्स का यूज़ करके हम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डालते हैं और इनका हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई सिग्नल एच एम डिस्प्ले कराना है तो इन पोर्ट्स को यूज़ करते हैं सो तो बेसिकली है कम्युनिकेशन पोर्ट है किसी मशीन या किसी भी राइटिंग मशीन से या प्रोग्रामिंग मशीन से हमें कम्युनिकेशन कराना है पी का तो हम इस पोर्ट्स के थ्रू करते हैं ये रन और स्टॉप टॉगल स्विच है इसका यूज़ करके हम पी को रन और स्टॉप पे लेके आते हैं आगे चलते हैं हम ये इनपुट है इनपुट की एलईडीज़ के लिए ये एलईडीज़ uh, दिखा रखे हैं जो भी हमारे इनपुट आएंगे ऑप्टेन होंगे पावर की एलईडी ई रन की एलईडी बैटरी के एलईडी एरर की एलईडी साथ ही आउटपुट की एल सो so इस तरीके का स्ट्रक्चर uh, इस तरीके का ओवरव्यू आपको हर पी में देखने को मिलेगा हर पी में आपको इनपुट दिखेगा पावर रन बैटरी एरर और रन और कम्युनिकेशन पोर्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे सो so ये बेसिक स्ट्रक्चर है हर पी में आपको इस तरीके का ही दिखेगा अब आगे चलते हम आगे हमने जो भी इस पी के लेक्चर में एक प्रोग्राम कर रखा है कि हम क्या कंटेंट पढ़ने वाला हमारा जो कंटेंट है वो क्या है बेसिक ऑफ़ पी है बेसिक ऑफ पी पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ पी पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ पी पढ़ेंगे हम साथ ही डिजिटल इनपुट के बारे में देखेंगे और सिंकिंग एंड सोर्सिंग ऑफ इनपुट देखेंगे डिजिटल आउटपुट के बारे में देखेंगे सिंकिंग एंड सोर्सिंग ऑफ आउटपुट के बारे में देखेंगे और फर्दर जो हमारा लेक्चर होगा सेकेंड लेक्चर वो उसकी प्लानिंग हमने इस तरीके से कर रखी है कि हम पी की वायरिंग बताएंगे उस उसमें जिसमें हम सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट लेंगे और वायर करके दिखाएंगे सो उससे आपको एक बे, बेस्ट आइडिया मिलेगा सो फ्रेंड्स उस लेक्चर का अभी ना सोच के हम इसी लेक्चर में प्रेजेंटली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन जो कि नेमा ने दी हुई है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जिसने पीएलसी के बारे में बताया एक इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस है जिसमें प्रोग्रामेबल मेमोरी है जिसमें हम प्रोग्राम डाल के किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन या सीक्वेंस या टाइमिंग या काउंटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करके किसी भी मशीन को कंट्रोल या प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं जिसमें कि डिजिटल या एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं अगर मोटा मोटा समझा जाए तो पीएलसी के अंदर हम लॉजिक डालते हैं जिसमें कि हमारे जिससे कि हमारे डिजिटल या एनालॉग इनपुट अटैच होते हैं साथ ही जो लॉजिक होता है उसी के बेसिस पे हमें डिजिटल आउटपुट या एनालॉग आउटपुट मिलता है और उसी के थ्रू हमारा प्रोसेस कंट्रोल होता है सो इस तरीके का मोटा मोटा डेफिनेशन हम समझ सकते हैं जो कि नेम हमने हमें दिया सो आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स आगे <coughs> आगे बढ़ते हैं आगे में कि क्या है आगे कंसेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ पी एल की नीड क्या हुई हमने रिले लॉजिक को रिप्लेस करना था इसलिए हमने पी की नीड थी सिक्वेंसियल ऑपरेशन में भी जहाँ रिले और टाइमर यूज होते थे वहाँ हमने पी लगा दी साथ ही ऑन ऑफ़ कंट्रोल ऑफ मशीन के लिए भी प्रोसेसिस के लिए भी हमें पी की नीड थी लेटर प्रोग्राम या रिप्रेजेंटेशन के लिए पी की नीड थी साथ ही डिज़ाइन हमने ऐसा इंडस्ट्रियल इन्वामेंट को दे दिया सेंट्रलाइज कंट्रोल हमें मिल गया सो so, फ्रेंड्स <coughs> ये सब चीज़ें थी जिससे कि हमारा मेंटेनेंस किसी भी कंट्रोल सिस्टम का यूज़ या मेंटेनेंस बहुत इजी हो गया सो so, हमने किया और हमें उसका फ़ायदा मिला सो so फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ़ पीएलसी और बेसिक पीएलसी के बारे में जो लेक्चर था वो ख़त्म होता है सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पीएलसी एल सी सो ये अनादर पार्ट है सो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको फ़ायदा मिले एक सीरीज़ में देखिएगा इस लेक्चर्स को छोटे हो जाएँ इसलिए मैंने इन्हें स्प्लिट कर दिया है सो प्लीज़ वॉच शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट दोस्तों आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा जरूर और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने आप अपना ई मेल आई डी यहाँ पर मैंशन कर रखा है हम इन सब प्रोडक्ट्स के में डील करते हैं पी एल सी एच एम आई कम्युनिकेशन केबल सेंसर बेस्ट प्राइज इन डेल्टा एंड मिशो मिशी थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग